फॉर अ कपल हु इज ब्रिंगिंग एट थाउजेंड डॉलर सो यू कैन इजिली सेव मोर देन थ्री थाउजेंड डॉलर अगर आपके घर चे गई वेलकम बैक टू अवर चैनल आज की वीडियो नवजोत का फेवरेट टॉपिक है विच इज मनी एंड मंथली बजे इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि नवजोत कितना बड़ा नर्ड है इसको से कितना प्यार है तो so, आज हम बात करेंगे हाउ वी मेक आर मंथली बजट एंड हाउ वी सेव अप टू फोर्टी परसेंट ऑफ आर मंथली इनकम सो स्टेट यून दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर इम्पोर्टेंट वीडियो इफ यू आर कमिंग हेयर एज अ न्यू इमिग्रेंट

उसके बाद हम कॉन्डो में मूव हुए और अब हमारा जो कॉन्डो का रेंट है और यूटिलिटीज मिला के दो हजार डॉलर है जो कि हमारा पूरा खर्चा हुआ करता था जब हम बेसमेंट में रहते थे अब खर्चे बढ़ रहे हैं तो बजटिंग करनी इस सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। लेकिन पहले बात करते हैं सैलरीज की एज अ न्यू इमिग्रेंट इन समाइकियंस दी एवरेज सैलरी रेंज इज अरा सिक्सटी टू नाइन थाउजेंड कनेडियन अब ये एक एवरेज है इससे कम भी हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है जितनी भी आपकी सैलरी है जो हम आज डिस्कस करेंगे हाउस होल्ड बट फॉर तो दोनों लोगों की सैलरी मिला के हो गई 150,000 डॉलर्स फिफ्टी विच इज ग्रॉस बिफोर टैक्स एंड दिस सैलरी ट्रस्ट मी इज अमेजिंग काफी ज्यादा लग रही है ना नहीं है अभी हम आपको खर्चे गिनवाएंगे तो आपको पता चलेगा सबसे पहला खर्चा इस सी पी पी एंड ई आई

अब इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है बट इसका ये मतलब है अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपकी इनकम जो है वो जीरो नहीं होएगी क्योंकि आपकी इंप्लाई इंश्योरेंस कट रही है जो कि आपकी सोर्स से ही ग्रॉस सैलरी में से डिडक्ट होएगी तो आपकी जो सैलरी है दैट विल रेंज बिटवीन ट्वेल्व टू टू थाउजेंड पर मंथ अगर आपके पास जॉब है या नहीं है एंड दिस एक्चुअली इंक्लूड वैन यू गो ऑन मटर्निटी लीव और पटर्निटी लीव अब इसकी एलिजिबिलिटी और अमाउंट जो है दैट एक्चुअली वेरीज डिपेंडिंग ऑन योर इनकम एंड कितनी देर तक आपने ईआई काटा है तो उसके लिए जैसे हमने बताया हम अलग वीडियो बनाएंगे बट दिस एक्चुअली अमाउंट्स टू अबाउट 1.58 परसेंट ऑफ योर ग्रॉस इनकम

But that's a topic for another day. इसके अलावा there's one more voluntary deduction which is called TFSA, tax free savings account. This is capped at six thousand dollars per year, तो इससे ज़्यादा हम नहीं डाल सकते. And इसका फायदा ये है कि this money actually grows in your account tax free till you retire. तो बाकी हम इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे because तो it's थोड़ा और complicated है and we don't want to complicate this video. But हम personally

तो so, टोटल मिला के हो गए सिक्स हंड्रेड डॉलर अब नवजोत का खर्चा इन दिस तो हमारे हिसाब से इफ ड्राइव अराउंड किलोमीटर एवरी डे तो वो खर्चा वुड बी अराउंड हंड्रेड डॉलर मंथ मैक्सिमम तो टोटल हो गया सेवन हंड्रेड डॉलर विच इज अंडर टेन परसेंट तो दैट इज ग्रेट इसके अलावा वी हैव ग्रोसरी एंड इसका कोई परसेंटेज नहीं है वी ऑन एवरेज स्पेंड अबाउट सिक्स हंड्रेड डॉलर तीन जगह से ग्रोसरी करते हैं Uh, one is you know Costco, the other one is Walmart, and the third one is an Indian store in Brampton, which is called Sabzi Mandi. इसके ऊपर हम अलग से एक ब्लॉग बनाएंगे, but on average हमारा जो खर्चा है दोनों का मिला के is about six hundred dollars per month on grocery. अब next खर्चा फिलहाल तो नहीं है, लेकिन जब office खुलेंगे तो होगा. अब जैसे मेरा ऑफिस इज इन डाउन टाउन एंड मुझे लगते हैं थ्री डॉलर पर साइड विच इंक्लूड द बस राइड एंड मेट्रो सिक्स डॉलर इनटू ट्वेंटी विच कम्स आउट टोटल ऑफ हंड्रेड एंड ट्वेंटी डॉलर अब हमारे फोन अभी भी इंडिया वाले चल रहे हैं तो हमारा फोन की कोई ई नहीं जा रही है

अब ये ऐसा खर्चा है जिसको जितना कर लो उतना हो जाता है सो वी ट्राई टू लिमिट दिस खर्चा एंड स्टे बिटवी विद इन फिफ्टीन परसेंट सो फॉर अ कपल हु इज ब्रिंगिंग एट थाउजेंड डॉलर आप इजिली थ्री थाउजेंड डॉलर सेव कर सकते हो अगर आपके घर के खर्चे इज इक्वल टू आर खर्चा And महीने के एंड में जो भी बचता है वो जाता है टुवर्ड्स आर हाउस फंड एंड दिस मनी वी एक्चुअली सेव इन इक्यू बैंक अगर आपने हमारी मनी मिस्टेक्स वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बैंक का इंटरेस्ट रेट इज एज लो एज थ्री परसेंट एंड ई बैंक देता है बिकॉज इट्स एन ऑनलाइन बैंक और इसकी कोई ब्रांचेस नहीं है तो उनके खर्चे थोड़े कम है अब आई नो दैट टू परसेंट इज नॉट मच बट एटलीस्ट इट्स मोर जीरो पॉइंट थ्री परसेंट जो आपको और जैसे बैंक देते हैं अब जब मेरे को ईक्यू बैंक के बारे में पता चला तो मेरे को लगा कि ये सेफ है कि नहीं बिकॉज इट्स

वो इज सिक्योर एंड वो पैसा अगर बैंक बंद हो जाए तो आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके किसी और बैंक में मिल जाएगा सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू एक यू बैंक बिकॉज आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगी वेन यू आर सेविंग फॉर योर हाउस फंड और सेविंग अदरवाइज एंड डोंट वरी गर्ल्ड हम आपको वो कोई भी चीज सजेस्ट नहीं करेंगे जो हम खुद नहीं यूज कर रहे हैं एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट रेफरल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो आपको भी ट्वेंटी डॉलर मिलेंगे एंड हमें भी ट्वेंटी डॉलर मिलेंगे एंड जब आप यहाँ कैनेडा आओगे तो आपकी जो टिम हॉर्टन की कॉफी मुझे साथ मिलकर पीनी है वो स्पॉन्सर्ड बाई बैंक एंड अभी हमारे बजट में एटलीस्ट दो चीजें और मिसिंग है नंबर वन इज ट्रावलिंग वी एक्चुअली की हमें ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है अभी इस घर में हम आए ही हैं और हमने ऑलरेडी एक ट्रिप कर लिया था अभी हमारा ऑलरेडी एक और ट्रिप बुकड है अक्टूबर में वो भी आपको पता चल जाएगा जब हम जाएंगे एंड इनफैक्ट हमने यूट्यूब चैनल शुरू ही इसलिए करा था ताकि हमारे को थोड़ी सी इनकम बनती रहे और हम उससे अपना ट्रैवल वाला जो बजट है वो रिप्लेनिश करते रहे तो बेसिकली जो हम यूट्यूब से जो भी पैसा आता है वो हमारा ट्रैवलिंग में जाता है या यूट्यूब के इक्विपमेंट खरीदने में इसके अलावा अगर आप हाउस पेमेंट जो डाउन पेमेंट है उसके लिए सेव नहीं कर रहे हो तो यू शुड एटलीस्ट कीप टेन दैट यू शुड इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट लाइक आई टोल्ड यू दैट यहाँ पे ईक्यू बैंक में भी डालोगे तभी दो परसेंट से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा एंड इफ यू इन्वेस्ट स्मार्टली तो आपको फाइव टू टेन परसेंट तक की रिटर्न मिल सकती है इफ यू इन्वेस्ट इन स्टॉक इसके लिए हम थोड़ी अलग से वीडियो बनाएंगे अगेन पूरी रिसर्च के साथ बट दैट समथिंग दैट यू नीड टू कंसिडर इन योर बजट बट अभी हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करें बिकॉज वी आर सेविंग फॉर यू नो बाइंग हाउस एंड उसकी डाउन पेमेंट के लिए अब हमें पता है की थ्री थाउजेंड मंथ के एंड में बचेंगे ही तो नवजोत मंथ की बिगिनिंग में ही थ्री थाउजेंड डॉलर ऑलरेडी ईक्यू बैंक में डाल देता है तो जो पैसे है ही नहीं अकाउंट में वो यूज भी नहीं होंगे एंड गाइज अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू कैन नाउ डाउनलोड आर टूल फ्रॉम आर वेबसाइट विच इज लाइक अ बजटिंग टूल इसके अंदर टैक्स कैलकुलेशन भी इंक्लूडेड है अपनी जो कैरी होम इनकम है वो बताएगा एंड इट विल ऑल्सो टेल यू की आप कितना खर्चा कर सकते हो इन ईच ऑफ दो दैट यू बजट प्रॉपरली एंड एबल टू सेव मोर सो गाइज दिस इज हाउ वी बजे हम आपको हमेशा रियल और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि आप उसे यूज कर सको बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड किस हर इमिग्रेंट की जर्नी सेम नहीं होती है कोई यहाँ पे एज अ सिंगल आता है सम कम हेयर विद द किड बट आई होप स्टिल आपको कुछ गाइडेंस मिली हो एंड आप हमारा एक्सेल कैलकुलेटर को थोड़ा मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो तो भाई आज मैं ये नहीं बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि आपको अगर वीडियो बढ़िया लगी है तो मेरे को पता है कि आप अपने आप कर लोगे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय